ना बच्चे जो है दौड़ के वो यहाँ दिखा रहे आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और जैसे कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज की वीडियो में आपको थोर के पपीज दिखाए जाएंगे, ठीक है। और आपको आज की वीडियो में हमारे पेट डाइवर्सिटी का जो बैनर है वो रिलीज होगा, जिससे आप हमारे पेट डाइवर्सिटी के मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपने पपीज बुक कर सकते हो। सो बहुत सारी एक्साइटमेंट है, पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इतनी शॉपिंग करी है कि हमारी पूरी कार भरी हुई है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें डॉग्स के भी बहुत सारी एक्सेसरीज है और प्लांट्स भी हैं, ड्रिफ्ट वुड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो दोस्तों, कार ओपन होते ही पूरी कार भरी हुई है, ये देखो। सो ये बड़ा एक केज है, ये 24 इंच का केज है। मैंने इसलिए लिया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे को कि जैसे मुझे कार में ट्रांसफ़र करने होते हैं, मैं कहीं लेके जा रहा हूँ, घर भी लेके जा रहा हूँ पपीज़ को या खुशी को, सो वो इधर उधर भागते हैं और वो ढंग से बैठते नहीं, तो इसलिए सिर्फ उस पर्पज़ के लिए ये केज है। ये केज है ये गार्डन में लगाने के लिए, जो पहले भी मेरे पास था वो ख़राब हो गया था। सो ये केज है वो बहुत बड़ा, जो गार्डन में कहीं भी लगा सकते हैं, पोर्टेबल है। और ये देखो भाई कितनी सारी ट्रीट्स हैं और ये बहुत सारे, मतलब ये छोटे बच्चीज कह रहा हूँ, बच्चों के लिए है, उनके दांतों के लिए सही, जब उनके आते हैं ना अपने ये पपी बाइटिंग का इशू आ जाता है। और मैं थोर के लिए ये लेके आया हूँ रेड कलर में, ये बहुत अच्छा लगेगा उसके ऊपर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रीट्स हैं, हद से ज़्यादा ट्रीट्स ले गया हूँ मैं, बहुत सारे बिस्किट ये ट्रीट। और ये पापा को बहुत ज़्यादा जरूरत थी इसकी, पापा हर बार कहते थे एक पोटी स्कूपर वगैरह ले गया। सो ये चीज़ें खुशी को भी याद रखा हुआ है मैंने, ऐसी बात नहीं है, ये खुशी के लिए ट्रीट सारी, पूरे थैले भर भर के उसकी ग्रेवी है। और बहुत सारी चीज़ें, ये देखो ये उसके, ये वाला जो है ये उसकी ट्रीट है, वो जो पाइप होती है, और उस साइड एक कट्टा रखा हुआ है जो है, चलो उस साइड जाके दिखाता हूँ। ये जो कट्टा है ना, ये ट्रेस भी बताऊंगा क्या है, ये कट्टा है ये उसका ना, जो लीटर सैंड है ना, ये वो है उसकी खुशी की, ये 25 किलो का कट्टा है। और ये देखो सारी ट्रेस आ गई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं आपको बताया था कि जो पपीज़ है ना, उनको मैंने मेरे अपने जो केजी है उसके अंदर रखा था, वो मैट को ना खा रहे थे, थोड़ा थोड़ा काट रहे थे, सो उसके लिए मैंने नई चीज़ लेके आए हैं, ये ट्रेज है बहुत सारे लेके आए हैं। ये 2 केजीज में आ जाएगी, 6x4 के केजीज में, और फिर भी 2 एक्स्ट्रा रह जाएंगी, तो ये ट्रे लेके आए हैं। ये परफेक्ट चीज़ है यार, उनके पैरों में बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, और ये देखो बिल्कुल सही है। सो ये लेके आया हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको डिग्गी खोल के, सो उसके अंदर क्या क्या सामान है, ये देखो भाई। अब आ जाता है हमारा एक्वेरियम से रिलेटेड स्टफ, ये ड्रिफ्ट वुड है बहुत सारे, मतलब 4-5 ड्रिफ्ट वुड लेके आया मैं, ये प्लांट्स है इसके अंदर 10-12 पॉट है प्लांट्स के, ये भी ड्रिफ्ट वुड है, इसके अंदर भी प्लांट्स लगे हुए हैं। ये फूड है भाई इनका, फिशेस का अपने नेट हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, ये देखो ये फूड लेके आया मैं फिशेस के लिए, देखो कितनी सारी मेडिसिन है, एंटीक्लोरिन है, और ये प्लांट्स के लिए जो एक्वा अमेजोनिया होती है ना, वो वाली सॉइल है, और यहाँ पे भी सॉइल है दूसरे वाली, ये प्लांटी टैंक में डलेगी, सो सब चीज़ आने वाली है। इधर प्लांटी टैंक के लिए सॉइल है, और ये जो प्लांट से रिलेटेड और एक्वेरियम से रिलेटेड स्टफ है ना, ये पेट डाइवर्सिटी चैनल पे आएगी इनकी वीडियोस। सो ये देखो ये लाइट्स ले गए हमें स्पेशल, और ये फिल्टर है, बहुत सारी चीज। सो लेकिन हमारे कांटे की तो ना बच्चे जो है थोर के, वो यहाँ दिखा देता हूँ, और ये जोई मैडम या सॉरी है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखो भाई बच्चे देख लो, और इन बच्चों को अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ अपने हाथों में, इनको डेली साफ करो, ये डेली सूसू में ऐसे हो जाते हैं, इनको सारे आएंगे अभी गोदी में, सब इकट्ठे हो जाते हैं। आजा तुम भी आजा, वो फीमेल इनमें सबसे ज्यादा हैवी है, हाँ। शांत है एकदम, जैसे जोई है वो फीमेल, इनमें 2-3 है जो इतने अभी से भौंकते हैं, बाहर अगर ट्रक में जाता है तो वो खड़े होकर भौंकते हैं। सो दोस्तों भाई पपीज बहुत सुंदर है, अगर आपको देखो, अब मैं वापस बैनर मैंने पहले बता दिया,
अगर आपको इनमें से अगर आपको पपीज लेने हैं सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू आर पेट डाइवर्सिटी मैनेजर, तो आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने आपको बैनर में दे दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो दोस्तों जो अपने बच्चे हैं अब इनको घर पे लेके जाएंगे, और इनके लिए स्पेशल मैंने केज लिया था सो ये अच्छी तरीके से सो रहे हैं, और मैंने पीछे से कवर कर दिया है और ऊपर से भी कवर कर दिया कि धूप कहीं से भी ना मिले, उस साइड से भी और इस साइड से भी कवर है, और आगे अपना एसी चल रहा है तो सीधी हवा इनके ऊपर जा रही है, आप पीछे देख ही रहोगे। सो पहला बैनर था हमारा ये है, देखो भाई दोस्तों कैसा लग रहा है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई इस पे हमारे सब चीज है, एड्रेस हो गया एवरीथिंग, और हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, हम डॉग हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉग हॉस्टल फैसिलिटी है, पप्पीज अवेलेबल है, एग्जॉटिक एक्वेरियम्स है। सो वो एग्जॉटिक मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास एक सैंपल है सो ये देख लो आप। और पापा जी हमारे नया एक प्लेइंग एरिया बनाया हमने पपीज़ के लिए, सो वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर कौन सा कैसे बैनर है और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह है। सो एक सेकेंड, सो भाई बाहर भी अपना बैनर लगा हुआ है, सो चलो चलते हैं, यहाँ से एंट्री होगी, और एंट्री होते ही हमारी ग्रास बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है भाई। इस साइड वाली ग्रास का हमको सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि इस साइड वाली नहीं होगी और उस साइड वाली सही हो जाएगी, पापा को भी और मेरे को भी, बट ये वाली बहुत सही होगी, देखो यार कितना बढ़िया वो बन गई है ना, वो भी धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे इधर हो जाएगी। सो आप एंट्री होते ही यहाँ पे ये है भाई, सुंदर सुंदर सी जगह है, देखो है या नहीं है। सो चलो अब आगे चलते हैं, अभी थोड़े दिनों के लिए हम यहाँ से आ रहे हैं, मैंने बाइक अंदर खड़ी कर दी, और इधर ही वॉशरूम है और बाथरूम है भाई, और ये चलो चलोगे। सो यहाँ पे आपको पहला बैनर लगा पोस्टर लगा हुआ दिखेगा, सो ये बैनर है, उसके बाद आओ ये पूरा पार्क है, और यहाँ से पहला एक प्लेइंग एरिया शुरू होता है जहाँ पे पापा जी अभी हैं, पापा जी इनके साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे थे पापा? तो थोड़े से पत्थर होंगे है ना, वो उन्हें साफ कर रहे हटा रहे थे पापा, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ, पापा काम थोड़े से कर रहे थे, पापा को मजे आ रहे हैं, ऐसे जो ऐसे नहीं होता जो रिटायर्ड बंदा होता है और वो अपना फार्म हाउस पे अपनी गार्डनिंग वगैरह करता है, गार्डनिंग तो पापा कैसे हो गए है, तो पापा इस ये करने लग रहे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे पापा कैसे खेल रहे हैं। सो पूरा बड़ा प्लेइंग एरिया बना दिया, इसके अंदर एक खोद मिट्टी खोदे जो भी करना है इन्होंने खेल रहे है ना पापा जी, 8x6 का है, मतलब आप इसके पीछे क्या मोटिव था अपना पापा जी? यही था कि ये जब सारे बार घूमते थे तो ये अपनी घास भी नहीं लगाई थी, हाँ, तो ये सारा उसको कुतर रहे थे, खराब कर रहे थे, तो इनको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर इनके लिए है, ये कितना भी खेले देखो इन्होंने कितने गड्ढे कर दिए यहाँ, हाँ, मतलब कि यहाँ एक तो ग्रास प्रॉपर हो जाएगी, दूसरी बात कि यहाँ पे इन्होंने खोदना है ना तो यहाँ खोद लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे भी इन्होंने करना है, हाँ। खेलो मिट्टी में जितना ज्यादा खेलता है ना डॉग उतना ही मतलब अच्छी ग्रोथ होती है, उतने इनके जो पैर होते हैं वो उतने ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। सो वो देखो बैठ गया ये जितने भी ये जो ये देखो ये जितने भी कर रखे हैं ना ये सारे इनके काम है, मैं क्या करो तुम और मजे लो जितने ले सको अपनी जिंदगी के। और ये हमारी कोनी मैडम ये वेट कर रही है कि मैं आऊंगा इसके पास और मैं इसको इसको मिलूंगा इसे, से मेरी बेटी कोनी है, हे मेरे मोटू, ये कोनी यहाँ बैठी है भाई। सो कोनी के अभी बच्चे होप करते हैं भाई 1 महीने बाद होने हैं, सो अभी इसके बच्चों की मैं अभी बुकिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी है भाई, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है बच्चे हुए नहीं है, बट किसी को ज़्यादा ही हुए हैं कि भाई कोनी के ही बच्चे लेने हैं थोर के साथ, थोर और कोनी के होंगे, सो वो भी इस नंबर पे जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नंबर, और जो अभी हमारे बैनर पे है वहाँ पे आप हमारे मैनेजर से बात कर सकते हो, वो आगे आपको प्रोसेस बता देंगे। तो दोस्तों आपको पहले दिखाता हूँ अंदर जाके, मैंने जो मेरा एक मैं एक्वेरियम सेट करूँगा प्लांट्स लाया हूँ, सो पहले आप वो देखो। थोड़ी देर के लिए प्लांट्स रखे हैं यहाँ पे क्योंकि मुझे सेटअप करना है दूसरे वाला टैंक, सो मैंने ये एक बार इनका टेम्परेरी सिस्टम रखा है कि ये लाइव रहे जिंदा रहे, तो क्योंकि ये देखो प्लांट्स तो बिल्कुल सही है, ये 2 दिन से उसमें थे पॉली बैग में जिसकी इनकी पैकिंग थी, सो थोड़े से ख़राब होने लग गए थे, सो मैंने एक बार इसके टेम्परेरी कराया सिस्टम और वहाँ रखा है, ये वाला टैंक पहले सेटअप होगा सबसे पहले, इसमें ड्रिफ्टवुड और भी रखे हुए हैं मैंने नए लिए, सो ये देखो ये टैंक सेटअप होगा, सैंड बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें
सो बहुत सारे प्लान है, तभी कह रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, मजा आने वाला आप सब लोगों को। बाकी बैनर तो आपने देख ही लिया, तो ये भी दिखा देता हूँ मैं। सो कैसे लगे प्लांट्स भाई, गजब है ना, मतलब मेरे को तो इतना सुंदर लग रहा है। दो तीन मेरे दोस्त आए, जैसे मोहित भी आया, वो कहता है कि भाई इनको तो ऐसे ही रख लेगा ना खाली पॉट में, तो भी इतने अच्छे लग रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको पपीज दिखाए थे, बहुत सारे पपीज थोर के, सो उनमें से दो पपीज मेरे पास मेरे फार्म पे आए हैं, ठीक है, और 6 पपीज और है हमारे पास जो दूसरी फीमेल से बच्चे हुए हैं थोर के। तो ये देखो इनका हमने एक सेटअप बनाया हुआ है प्रॉपर, इसमें खेलते हैं, ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ 28-30 दिन के बच्चे हैं। ये देखो, ओए 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 बिट्टू, ओए 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 इधर आओ इधर आओ, देखो ये देखो ये देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे। सो इनमें से भाई एक तो बुक हो चुका है, इसमें से एक अवेलेबल है। सो ये थोर के बच्चे हैं, ठीक है। और आपको याद हो तो मैंने 2 महीने पहले व्लॉग डाला था कि थोर पापा बन गया, सो ये वो ही बच्चे हैं, वो वाले बच्चे जो आप लोग कह रहे थे मुझे, वही बताना कमेंट सेक्शन में। और अंदर आते ही ये देखो, सो वही दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ मैं। और बस थोड़ा और प्यार देते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूं बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि थोर को उसके पपीज से मिलाते हैं, ये कैसा आइडिया बताओ। बाकी और बहुत सारे हो सकते हैं कि एक दिन मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ प्रॉपर, पूरा डे से नाइट का वो व्लॉग दिखा सकता हूँ मैं, नहीं बहुत सारे व्लॉग्स हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे गोल्डन रिवर पपीज है, उनके साथ बहुत सारे व्लॉग्स बन सकते हैं, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंजॉय करें, नेक्स्ट व्लॉग।